नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। इंडिया फोर्स देख रहे हैं आप। आज आएगा झारखंड बोर्ड का रिजल्ट और आज मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। आज झारखंड बोर्ड का रिजल्ट आएगा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आज आएगा झारखंड बोर्ड का रिजल्ट, यानी कि उन सभी छात्रों का जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार आज खत्म हो जाएगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे किया जाएगा रिजल्ट को जारी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जारी करेंगे परिणाम। 7.5 लाख विद्यार्थियों ने दी थी परीक्षा और इन 7.5 लाख विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो जाएगा। चेहरे खिल उठेंगे। अब ये देखना होगा कि आखिर कितने प्रतिशत इस बार का परिणाम रहने वाला है, मैट्रिक का भी और इंटरमीडिएट का भी। दोपहर 2:30 बजे जारी किया जाएगा रिजल्ट, यानी कि अब से लगभग आधा घंटा बाद बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, झारखंड बोर्ड का। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इस रिजल्ट को जारी करेंगे। 7.5 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और उनका अब इंतजार खत्म हो जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ गए हैं। राकेश जी, आज इंटरमीडिएट और मैट्रिक का रिजल्ट घोषित हो जाएगा, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए, अब से थोड़ी देर में रिजल्ट आने वाला है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि बड़ी संख्या में छात्र, लगभग 7.5 लाख छात्रों का रिजल्ट आना है। और कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कोरोना के बाद से परीक्षाएं हुई थी और उसके बाद से कहा जा रहा था कि किस तरीके से रिजल्ट आएंगे, तो निर्धारित समय पर शिक्षा मंत्री ने कोशिश की है कि रिजल्ट सामने आ जाए। और अब जाकर कोशिश ये भी की गई है कि पुराने पैटर्न से ही रिजल्ट आएंगे, नया कोई पैटर्न लागू नहीं किया जा रहा है। यानी कि कोशिश की जा रही है कि थोड़ी मार्किंग बेहतर हो जिससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं हो। तो ये एक बड़ी बात कही जा सकती है कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर का परिणाम आ जाने वाला है। जी, आज लगभग 2:30 बजे का समय दिया गया है कि आज 2:30 बजे इस रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। देखिए, जैक भवन में रिजल्ट जारी किया जाएगा, ऑनलाइन सभी छात्र अपने रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए उनकी तरफ से अलग से वेबसाइट और बाकी चीजों की उपलब्धता कराई गई है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लग रहा था कि कहीं देर होगी इस बार भी कहीं रिजल्ट में, लेकिन शिक्षा मंत्री और बाकी जो विभाग के अधिकारी थे उनकी तरफ से पहल की गई है और कोशिश की गई है कि किसी भी तरह से रिजल्ट में कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि 2 बार पहले भी घोषणा की जा चुकी थी कि रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन आज जिस तरीके से बात सामने आई है उसमें आज रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। जी, शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ ही तमाम बातचीत करने के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि देश की जनता हर दिन भुगत रही है। यह राहुल गांधी का कहना। और क्या कुछ भुगत रही है? नोटबंदी, गलत जीएसटी, सीएए, रिकॉर्ड महंगाई, ये सारी चीजें जनता भुगत रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया ट्वीट और केंद्र की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। देश की जनता हर दिन भुगत रही है, यह कहना है राहुल गांधी का। यह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है उनके ट्विटर की और जिसमें लिखा है, प्रधानमंत्री जी, आपके समय के साथ सुधार वाले फायदों के परिणाम देश की जनता हर दिन भुगत रही है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, सीएए, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, काले कृषि कानून और अब अग्निपथ से प्रहार। बीजेपी का अच्छा मतलब देश के लिए घातक, यह राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है और जमकर उन्होंने हमला बोला है ट्विटर के माध्यम से केंद्र सरकार पर। साथ ही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में कहा कि जो चीजें हमें आज अच्छी नहीं लग रही हैं वो आने वाले समय में सुधार के लिए हैं, उसके तमाम फायदे हमें आगे आने के बाद दिखाई देंगे। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने यह तंज कसा, उन्होंने कहा कि आपके समय के साथ सुधार वाले फायदों के परिणाम देश की जनता हर दिन भुगत रही है, जिसमें उन्होंने जीएसटी का जिक्र किया, सीएए का किया, नोटबंदी का किया, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, काले कृषि कानून
और अब अग्निपथ के प्रहार की बात कही है और खबर और ऐसे है जहां एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। यमुना एक्सप्रेस वे पर रोडवेज बस अज्ञात वाहन से टकरा गई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर और ऐसे से खबर है एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार का कहर। लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं जब सड़क हादसे होते हैं और लगता है कि सड़कों पर कोई गाड़ी नहीं मौत चल रही है, मौत दौड़ रही है। रोडवेज बस में 56 यात्री सवार थे जिनमें से 26 यात्री घायल हो गए हैं, 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है और सभी घायलों को मिनी PGI सैफई में भर्ती कराया गया है। एयरवर्क कटरा थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे का यह मामला है जहां यह दुर्घटना हुई, सड़क हादसा हुआ जहां बस किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई और यह हादसा हो गया। बस में 56 यात्री सवार जिनमें से 7 गंभीर रूप से घायल और 26 घायल। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा AK-47 और हैंड ग्रेनेड रखने के मामले में हुई है। MP-MLA कोर्ट के मामले में विधायक को यह सजा सुनाई गई। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया था। पिछले तारीख को सेंटेंस के पॉइंट पर रखा गया था सुनवाई के लिए आज 21 तारीख को, तो सुनवाई के बाद इनका मेडिकल ग्राउंड देखते हुए, हेल्थ देखते हुए, एज देखते हुए कि 60 से अबव एज के हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होते हुए 5-5 टर्म से विधायक रहे हैं, हम लोगों के द्वारा रखा गया है, किसी तरह का कोई उस तरह का सर्कमस्टांस नहीं है कि पोजीशन से हम लोगों की रिकवरी है या किसी तरह का, तो सारी परिस्थिति बाद 10 साल की सजा दी गई है। सारी सजाएं जो भी है, जिस सेक्शन में 3 सेक्शन में सजा नहीं किया गया था, 25-1B-A, 25-1B-C इसमें सजा नहीं दी गई, जिस भी ऑफेंस में है उसमें 10 साल की सजा दी गई। तो बिहार के बाहुबली अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है। MP-MLA कोर्ट ने मामले में विधायक को सुनाई है सजा। सरायकेला के खरसावा जिले के आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार का अभियान आज भी जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर उड़िया मध्य विद्यालय के पास चल रहे अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कराते हुए आधा दर्जन शराबियों को हिरासत में ले लिया गया। वही भारी मात्रा में महुआ शराब को भी जब्त किया गया। हालांकि छापेमारी की सूचना मिलते ही भट्टी संचालिका मौके से भागने में सफल रही। लगातार सूचना मिल रही थी कि उड़िया स्कूल है, जस्ट स्कूल के सामने यहाँ दारू का धंधा चल रहा है, लोग को बैठा के दारू पिलाया जा रहा है, महुआ दारू, इंग्लिश, और उसमें बहुत सारा गलत लोग का भी वहाँ जमघट होता है। अगल बगल स्कूल से कंप्लेंट था लेकिन आज तक कंप्लेंट पर नहीं ध्यान दिया गया, लेकिन हमको जैसे संज्ञान में आया तो हम उसको समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर में हो रहे लोकसभा उपचुनाव को लेकर सपा प्रत्याशी आसिम रजा के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आजादी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का भी जिक्र किया। रामपुर के पहले सांसद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जेल में गुजारे गए दिनों की चर्चा की गई। वह देश में बढ़ती महंगाई पर भी बोलने से नहीं चूके। साथ ही आपको बता दें कि आजम खान ने अपने अंदाज में जहां ताजमहल का जिक्र किया, वहीं लाल किले को भी किराए पर उठाने का मुद्दा उठाया। इसी तरह वह अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे हाहाकार पर जुबानी हमले करते हुए नजर आए हैं।
क्या हो रहा है बिहार में, अग्निपथ अग्निपथ ही बन गया, झुलस कर गई हिंदुस्तान की जमहूरियत। कितने करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, कोई काम नहीं है। देखो क्या हो रहा है बिहार में, अग्निपथ अग्निपथ ही बन गया, झुलस कर गई हिंदुस्तान की जमहूरियत। कितने करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, कोई काम नहीं। अग्निपथ के विरोध में भारत बंद के दिन संभल में प्रशासन का फेलियर नजर आया। भाक्यू यानी कि भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने धारा 144 का उल्लंघन कर अग्निपथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तहसील पर धरने पर बैठ गए। वही पुलिस महकमे की खुफिया इकाई को धरना प्रदर्शन के समय रहते खबर तक नहीं लगी। हमारी मांग है कि वो जो अग्निपथ इन्होंने जो कानून बनाया है वो वापस लें और स्थायी रूप से रोजगार दिया जाए युवाओं को, जो क्योंकि जो जो सरकार युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने के लिए वायदे से आई थी, आज तक वो रोजगारों को छीनने का काम किया है। कोई कहीं भी किसी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। अलीगढ़ में बिजली विभाग के नए नए कारनामे आमतौर से देखे गए जा सकते हैं। वहीं अलीगढ़ के अंदर 2 नए मामले सामने आए हैं बिजली विभाग में, जिसके बाद हड़कंप मच गया। धनीपुर ब्लॉक के अंदर अधिकारियों की साठगांठ के बाद 1.4 किलोमीटर की लंबी लाइन अवैध रूप से डाल दी गई। जब शिकायतकर्ता ने इन सब की शिकायत उच्च अधिकारियों से की तो विभाग ने अपना पल्ला झाड़ते हुए SDO ललितेश यादव और जेही रोहित यादव को सस्पेंड करने की बजाय स्थानांतरण करके उन्हें नई तैनाती दे दी। वहीं दूसरा मामला 50 लाख से संबंधित विभाग को राजस्व हानि पहुंचाने का है, जिसमें विभाग के अधिकारी की फर्जी ID बनाकर विभाग के ही अधिकारी ने साठगांठ करके विभाग के साथ घोटाला कर लिया, जबकि पीड़ित बिजली कर्मचारी मनोहर सिंह 3 सालों से पैरालिसिस का शिकार है और वह अपने बिस्तर पर है। इसके बावजूद भी इसके विभाग ने उसकी फर्जी ID बनाकर उपभोक्ताओं से पैसे वसूल लिए और वह पैसा विभाग में जमा तक नहीं कराया गया। रहने वाली हूँ, मेरे पति 4 साल के ब्रेन हेमरेज की बीमारी से ग्रस्त हैं, उनका इलाज मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा से चल रहा है। बिजली विभाग के 4 अधिकारी SDO ललितेश यादव, अकाउंटेंट राम प्रकाश, धनेश यादव, रोहित यादव ने मेरे पति की कैश ID का दुरुपयोग करके 50। देखिए जो 1.4 किलोमीटर की लाइन अवैध रूप से डाली गई थी उसमें विभाग की जांच हो चुकी है और उसमें अवर अभियंता को और उपनगर दोषी पाया गया है और वो लाइन का जो कॉस्ट है वो दोनों से वसूल की जा रही है और इसके अतिरिक्त भी उनको इंक्रीमेंट भी रोके गए हैं। इस तरह से काफ़ी बृहद दंड दोनों का आवंटन किए गए हैं। और जो दूसरा प्रकरण था जिसमें 50 लाख का गबन किया था TG2 ने, मनमोहन सिंह नाम था उसका, तो उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं और नौकरी बर्खास्त किया जा चुका है माननीय प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा। इसमें काफ़ी लंबी जांच हुई थी और बड़ा ही उन्होंने अच्छी जांच करने के पश्चात ही निर्णय लिया है और इसमें अकाउंटेंट को भी दोषी। अब खबर उन्नाव से है, जहां भड़काऊ मैसेज वायरल करने वाले सपा नेता को अरेस्ट कर लिया गया। अग्निपथ को लेकर सपा जिला पंचायत सदस्य ने प्रदर्शन किया था, जाम लगाने के लिए लोगों को उकसाने का मैसेज किया गया था वायरल। ग्रुप में मैसेज वायरल कर युवाओं को इकट्ठा करने की कोशिश की गई। वायरल मैसेज पर उन्नाव पुलिस ने एक्शन लिया। सपा जिला पंचायत सदस्य समेत 6 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मोरावा थाने में कुछ लोगों द्वारा अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए एक इकबाल जिंदाबाद नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और इस ग्रुप में तरह तरह की भ्रामक सूचनाएं भेजकर लोगों को उकसाया जा रहा था और धरना और जुलूस करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था।
इस ग्रुप पर समय रहते थाना पुलिस द्वारा काम किया गया, जिसमें ये पाया गया कि ग्रुप के एडमिन या ग्रुप के और भाई अन्य कोई भी सदस्य का आर्मी से कोई रिलेशन नहीं था, ना ही कोई आर्मी की तैयारी कर रहा था। ये लोग सिर्फ माहौल खराब करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे थे। अब खबर लखनऊ से है, जहां अग्निपथ योजना के खिलाफ उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई की गई। अब तक यूपी में 14 जिलों में 46 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। अब तक कुल 525 लोग गिरफ्तार हुए, 380 आरोपी मुकदमे में गिरफ्तार हैं। 145 आरोपियों का धारा 151 में चालान कर दिया गया। लखनऊ नगर निगम जोन 6 के राजस्व निरीक्षक हटा दी गई हैं। नगर आयुक्त ने राजस्व निरीक्षक जोन 6 को हटा दिया। राजस्व निरीक्षक अंदलीप जहरा को हटाया गया। नगर निगम की छवि धूमिल करने का को लेकर यह कार्रवाई की गई। स्पष्टीकरण पेश करने का नोटिस भी जारी किया गया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने आज भवन में पतंजलि योगपीठ रांची के सहयोग से आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी झारखंड वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरे विश्व ने हमारे योग पद्धति को अपनाया, हमारे लिए यह बहुत बड़ी गर्व की बात है। राज्यपाल ने कहा कि सभी लोग योग को अपने जीवन दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, अन्य लोगों को भी योग को अपनाने के लिए प्रेरित करें। अगर घर को आधा घंटा अपने घर में योग करें तो शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियां दूर रहती है। और आज पूरा विश्व योग को बनाए रखा जा रहा है। हमारे देश में भी हर जगह, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे योग के योग की चिकित्सक हो, हर जगह पहुंचकर हर जगह योग का आज कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। उसी तापमान में राजभवन ने भी योग का कार्यक्रम रखा दिया है। आप सभी लोग आगम आए हैं, उनको मैं स्वागत करता हूँ। संभल में NH 509 पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। ट्रक ने कार को बुरी तरह से रौंदकर उसमें फंसे सवार को ग्रामीणों ने निकाला है किसी तरह से। हादसे में महिला समेत 2 की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हैं। दिल्ली से बदायूं जा रहे थे कार में सवार होकर ये सभी यात्री। गुन्नौर थाना क्षेत्र के गाँव रसूलपुर की ये घटना है।
गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर की घटना है, जहां संभल में NH-509 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने कार को बुरी तरह से रौंद दिया है, जिसमें कार में फंसे ग्रामीणों को, यानी कि सवारों को ग्रामीणों ने निकाला है। यानी कि जो लोग कार में सवार थे उन सभी को बाहर निकाला गया ग्रामीणों ने। हादसे में महिला समेत दो की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली से बदायूं जा रहे थे। इस खबर पर अमर जात हमारे संवाददाता सतीश सिंह जुड़ गए हैं। सतीश, एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, ट्रक ने कार को रौंद दिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? ये बता चलूँ, संभल में SN-509 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें ट्रक ने कार को रौंदा है, जिसमें महिला सहित एक पुरुष की मौत हो गई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसे घायल के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो ट्रक चालक है वो मौके से फरार हो चुका है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और जांच में जुट चुकी है और ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। बिल्कुल, और एक सवाल और ऐसे में ये भी कि आखिर जो घायल बताए जा रहे हैं उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है? सतीश जी बता चलो, जिस तरह से 6 लोग घायल हुए हैं, गाड़ी में दब चुके थे और गांव वालों ने उन्हें बचाकर जो सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें हायर सेंटर हो गई है और 4 की हालत जो वहीं पर इलाज चल रहा है। आखिर यह किसकी गलती रही अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो, क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई कि कैसे यह हादसा हुआ? जिस तरीके से कुछ अधिकारी और गांव वालों से हमारी बात हुई थी, वो गांव वालों का कहना है कि इस कार को पीछे से उन्होंने रौंदा है, ट्रक चालक था वो जो उसने पीछे से रौंदा गया था और उसी में एक्सीडेंट हुआ था। तो जो बहन टक्कर लगी थी और वो टक्कर इस तरीके से लगी थी कि जिसमें 6 लोग दब चुके थे और 2 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी थी। शुक्रिया आपका सतीश हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।